हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सी टी टी एंड टी टी प्रिपरेशन में। और आज के इस वीडियो में मैं क्लास थ्री के एवीएस के चैप्टर सिक्स को एक्सप्लेन करूंगी। चैप्टर सिक्स है खाना अपना अपना। इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो खाने के बारे में बात कर रहे हैं कि कल रात को कौन क्या खाया था। कल रात मैंने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया। एक बच्चा बोल रहा है, मैंने तो दाल भात खाया था, मेरे घर में तो कल खाना ही नहीं बना। बीजी के साथ हम गुरुद्वारे गए थे, वहाँ लंगर में दाल रोटी खाई थी। माँ ने खीर पूरी बनाई थी जो मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं तो अंडे की भुजिया खाकर सो गई। मेरी माँ ने माछ बनाई थी, मैंने खूब खाई, बहुत अच्छी थी। मेरी माँ जिस घर में काम करती है वहाँ से नूडल्स लाई थी, सबको मज़ा आया। सारे बच्चे अपने अपने घर के खाने के बारे में बातें कर रहे हैं। और शिक्षक के लिए यहाँ पे संकेत है कि बच्चे खुले माहौल में अपनी बात बेझिझक कहते हैं। एक दूसरे के खाने के बारे में सुनकर हम अपने खाने से जुड़ी संकुचित सोच से हट सकते हैं। इसी से दूसरे लोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। बच्चों से संबंध बनाना और ऐसे माहौल बनाना जरूरी है जहां उनकी बात संवेदनशीलता से सुनी जाए। अपना अपना खाना। विपुल के परिवार के कुछ लोग कई चीज़ नहीं खाते, जो वह खाता है सोचो उसके परिवार के लोग वे चीज़ें खाते ही नहीं या खा ही नहीं सकते। आओ विपुल के परिवार के बारे में पढ़े। स्कूल से घर जाते जाते विपुल ने एक भुट्टा खरीदा। भुट्टा खाते खाते विपुल घर में घुसा और माँ से पूछा, माँ छुटकी कहाँ है? पहले तो मैं उसे ही देखूँगा, माँ ने हंसते हुए कहा। छुटकी ऊपर कमरे में। विपुल ने दादी का हाथ पकड़ कर कहा, दादी तुम भी चलो ना। माँ ने कहा, रुको, मैं बा को रोटी दाल में डालकर रखी है, पहले वे खा तो ले। बेटा आज तो दाल में शक्कर ठीक से नहीं डाली है ना, यहाँ नागपुर आकर तुम लोग अपने खाना भूलते जा रहे हो, दादी ने माँ से कहा। माँ ने जवाब दिया, माँ मैंने चेक कर देखी थी, बढ़िया बनी है, मैं दादी का खाना भी ऊपर ले जाता हूँ। कहते हुए विपुल ने थाली उठाई और फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ गया। दादी जल्दी उठो ना, विपुल ने पुकारा। दादी ने कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैं इतनी देर से सीढ़ियाँ तो क्या पहाड़ भी चढ़ जाती थी। विपुल ने अंदर आकर अपना भुट्टा मामी को थमाया और हाथ धोकर छुटकी को उठा लिया। अचानक छुटकी ने रोना शुरू कर दिया। अब ऐसे चुप नहीं होगी, इसे भूख लगी, कहते हुए मामी छुटकी को दूध पिलाने लगी। यहाँ तो थी कुछ चीज़ों को खा सकने और नहीं खा सकने की बात। हम वहाँ यहाँ कुछ बच्चों के लिए क्वेश्चन है। हमारा भोजन ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से बनता है, जैसे चावल, मक्का, बाजरा, गेहूँ, जई, कप्पा, जौ, इन चीज़ों से ही हमारा ज़्यादा खाना बनता है। वे चीज़ें जहाँ आसानी से पैदा होते हैं वहाँ पर वे ज़्यादा खाई जाती है। अब हम लोग अलग अलग चीज़ों को खाते ही हैं, एक ही चीज़ का इस्तेमाल करके अलग अलग भोजन भी बनाते हैं। पता करो और लिखो कि गेहूं और चावल से क्या क्या बनता है, क्यों, कितनी चीज़ें लिखी। इसी तरह अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के दालें, सब्जियाँ, फल और मांस आदि खाया जाता है। कुछ लोग कुछ पसंद करते तो कुछ लोग कुछ और, यह बात करते हैं पसंद और नापसंद की। अब देखिए, यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, लीचेन है एक लड़की, यह हांगकांग की है। यह बताती है कि मैं हांगकांग की हूँ और मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। यह क्वेश्चन सीटीटी एग्ज़ाम में आ चुका है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के एक होटल में जाकर लिंगू फेन खाते हैं और सांप से बने उस खाने का नाम लिंगू फेन है। ठीक है, आगे है जूनी। ये कहती है, मैं कश्मीर में रहती हूँ और सरसों के तेल से बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। जब हम एक बार गोवा गए थे तो वहाँ मछली खाई पर स्वाद बहुत अलग था। माने कहा, अरे यार नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली, स्वाद तो अलग होगा। और यार लोग कश्मीर के लोग सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाते हैं और कश्मीर के लोग जो होते हैं सो नारियल तेल, वहाँ पर नारियल ज़्यादा होता है इसलिए नारियल तेल में बनी हुई, सॉरी गोवा के लोग जो होते हैं सो नारियल तेल में बनी और समुद्री मछली को खाते हैं तो स्वाद तो थोड़ा अलग होगा ही। अब यह बताता है, मैं केरल का हूँ, मुझे सबसे अच्छी दो चीज़ें लगती है, वो मेरे घर के आंगन में ही उगती है, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी ज़मीन के नीचे। यह भी क्वेश्चन सीटीटी एग्जाम में आ चुका है। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ पेटिकोआ मिल जाए तो क्या मज़ा है। क्या कहाँ क्या खाया जाता है,
यह आखिर निर्भर किस पर होता है? दिए गए कारणों में से जो तुम्हें सही लगे उस पर, यह बच्चों के लिए क्वेश्चन है और चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। आगे के वीडियोस में मैं चैप्टर 8 को एक्सप्लेन करूँगी। चैप्टर 6 था अभी जो एक्सप्लेन की हूँ। हाँ, तो आगे के चैप्टर में मैं चैप्टर 7 को आगे के वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।